हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं एक भाई की बात कर रहा था जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है बिना पैसे के। कोई रूम नहीं है, कोई है ना रहने की जगह, पहनने के लिए और नहाने के लिए कैसे वो मैनेज करते हैं मैं उनसे जानता हूँ। आओ मैं मिलाता हूँ उनसे। नमस्कार भाई, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? विपिन वर्मा। हैं? विपिन वर्मा। विपिन वर्मा कहाँ से हो आप? मैं यूपी झांसी से हूँ। यूपी झांसी? झांसी से। तो मैंने सुना आप यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, क्या चल रहा है आपका? आ जाओ बात करते हैं। आ जाओ। कैसे मतलब कि बस कर रहे हैं, कैसे स्ट्रगल कर रहे हो बताओ। मुंबई में कब आए हो? मुंबई में मुझे 2-2.5 महीने हो गए। अभी 2-2.5 महीने हुए हैं? तो क्या उम्मीद लेके आए हो मुंबई आप? एक्टर बनने के लिए। एज क्या है आपकी? एज 30। 30 एज है। तो वैसे उम्र तो कोई भी नहीं होती। आप बताओ वैसे आप कैसे मतलब मैनेज कर रहे हो इस चीज़ को? रहते कहाँ पे हो? रहते क्या स्टेशन पर? जैसे हमें तो वही पीजी मिला हुआ है, आपको क्या मिला हुआ है? हमें कुछ नहीं मिला, स्टेशन मिला है। स्टेशन में? और काम अभी मिल रहा है कि नहीं? काम कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। अच्छा, तो गुजारा कैसे होता है आपका? गुजारा चलते रहता है। गुजारा पंजाबी जो गुजारा कहते हैं। तो हिंदी जो की कहते हैं मैंने पता नहीं। मैनेज कैसे कर रहे हो? बस कर रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत पैसे पड़े थे तो उससे मैनेज कर रहे हैं। तो रूम नहीं है, स्टेशन में रह रहे हैं? नहाना धोना सब वहीं हो जाता है स्टेशन में। तो अभी कुछ काम को मिला कि नहीं? नहीं अभी मिला मुझे। ऑडिशन वगैरह देते हो? हाँ देते हैं, ऑडिशन देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। आज ऑडिशन दिया आपने? आज नहीं दिया, आज चल नहीं रहा था कहीं। आज ऑडिशन था एक जगह? नहीं मुझे तो जानकारी नहीं। अच्छा, तो आप व्हाट्सएप पे वगैरह आपको आता नहीं ईमेल वगैरह? मोबाइल में तो यूज़ करते हो? एक्चुअली मैं छोटा वाला मोबाइल यूज़ करता हूँ। तो आपको कॉल भी नहीं आती किसी की? क्या कॉल अभी नहीं आई? 2.5 महीने से हुआ? तो हाँ 2-2.5 महीने। तो कितने ऑडिशन दे चुके हो? करीब 8-10। 8-10 ऑडिशन दे भी दिए? 2.5 महीने ऑडिशन नहीं, और इंट्रो। इंट्रो? अच्छा, इंट्रो मतलब कि आप अपने बारे में बताते हैं? इंट्रोडक्शन किया? बहुत बढ़िया यार। देखो भाई, ये भाई है, एज इनकी 30 है, गाड़ी झांसी से आए हैं। झांसी से है ना? बढ़िया। आपका लंगर खा लिया आपने? ओके। कैसा लगा? बढ़िया। लंगर यहीं पर आते हो? सुबह शाम आते हो? यही सहारा है दोपहर का? ये तो सहारा सबका है भाई। देखो बड़े बड़े हम जैसे उससे भी बड़े जिनके पास फ्लैट है वो भी लगे हुए लाइनों में। वो भी लगे हैं। ऐसा नहीं होता, ये सबके सहारा है। और बाबा नानक जी ने 20 रुपए में लंगर स्टार्ट किया था। तो अब देख लो, पता है इनकी कहावत के नहीं? नहीं हमें ज़्यादा इनकी स्टोरी नहीं पता? नहीं। जो हमारे पहले गुरु थे ना बाबा नानक जी, उन्होंने 20 रुपए से लंगर स्टार्ट किया था। घर वालों ने तो दिए थे पैसे के, या घर का सामान ले या, तो उन्होंने लंगर लगा दिया 20 रुपए का। अच्छा अच्छा। और 20 रुपए के लंगर से अब देख लो कितने सालों से चलता आ रहा है, वो हर एक स्टेट में चल रहा है। स्टेट में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अगर ये मुंबई में आते ना लोग तो मुंबई में खाते हैं, अगर कनाडा जाते तो कनाडा में खाते हैं। ऐसा चल रहा है। तो ये सुबह शाम खाते हो, अच्छी बात है, खाया करो, कोई बात नहीं। अगर बाबा नाना जी ने यहाँ भेजा है तो आपका ऑडिशन भी हो जाएगा क्लियर, कोई बात नहीं, हो जाएगा आपका। आप अच्छी उम्मीद से आए हो, स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छी बात है। तो घर वाले कैसे मतलब? सब ठीक है। छोड़ के आए लड़के आए हो? नहीं ना लड़के आए ना छोड़ के आए, बोल के आए। बोल के आए? क्या बोल के आए हो? मुंबई जा रहे हैं। मुंबई यार, क्या बोले? स्ट्रगल करने के। क्या बोले फिर? कुछ नहीं बस। नहीं थोड़ा झांसी में कोई काम करते थे आप पहले? नहीं वैसे ट्यूशन वगैरह पढ़ाना है सब कुछ। आप टीचर हो? नहीं वहाँ पढ़ा देते, छोटे बच्चों को पढ़ा लेते। पढ़े लिखे तो नहीं, ग्रेजुएट है। बीएससी मैथ्स। क्या किया आपने? बीएससी मैथ्स। बीएससी? हाँ। आपने? हाँ बीएससी मैथ्स से। भाई क्या सच बोल रहे हो आप? झूठ नहीं बोल रहे, बीएससी मैथ्स से। यार इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के आओ यार, सच में बीएससी मैथ्स। लेकिन एक्टर बनना था यार। तो आपको अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है, आप ट्राई क्यों नहीं कर रहे मुंबई में? वो नहीं करनी थी ना मुझे, एक्टर ही बनना था। सच में आपने बीएससी की हुई है? झूठ नहीं बोल रहे, दरबार में खड़े हुए हैं, बीएससी मैथ से किया। बल्ले 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 बल्ले, गुरुद्वारे में खड़ा हूँ यार मैं, झूठ नहीं बोल रहा। यार आप तो अच्छी खासी नौकरी कर सकते हो, आप स्टेशन में क्यों सो रहे हो फिर? अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए। पैसे की प्रॉब्लम तो आप ही हैंडल करोगे ना, आप साथ साथ जॉब ढूंढ लो यहाँ पे, आपके पास सर्टिफिकेट हो गए जॉब मिल जाएगी आपको। करो करो ट्राई करो आप। ओके। स्टेशन में मत सो, अगर आपने मैंने एक कहावत है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी बोला हुआ डायलॉग, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो आप भगवान के भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। सच बोल रहा हूँ कि तो आज वीडियो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है आपकी,
प्रॉमिस करो, आप वादा करो कि आप अपनी मेहनत करोगे और बीएससी मैथ के साथ आप एक्टिंग भी करोगे, जॉब भी कर लो, मिलती है पार्ट टाइम कर लो भाई। हाँ ठीक है, कर लो कर लो, अच्छी बात है। ओके तो भाई मिल लिए हम, क्या नाम बताया अपने? विपिन वर्मा। विपिन वर्मा से मिले, अच्छा लगा। स्ट्रगल कर रहे हो और इतनी हाई एजुकेशन है इनकी, यार एजुकेटेड बन रहे हो आप यार। हम तो चलो नहीं भी इतना पढ़े, आप तो हमसे ऊपर पढ़े हो। करो करो। ओके ठीक है, ओके थैंक यू थैंक यू। मेरा चैनल सर्च कर लेना, उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है वीडियो।